2020 अलहमदिल्ला हमारे प्लेटफॉर्म को 2 ईयर्स हो गए हैं इस्टेब्लिश हुए। और अगर मेन पाथ फाइंडर्स की बात की जाए तो जिसमें मैम फिजा मूसा जी ने इस प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया था वो यहाँ पर एज ए सीईओ फाउंडर एंड डायरेक्टर वर्क कर रही हैं। जो स्टेपअप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सर हुसनैन हैदरी साहब हैं और जो स्टेपअप के डायरेक्टर हैं वो सर अशरफ हैदरी हैं। मेन चीज जो मेन पॉइंट है कि वट इज स्टेपअप टेक, स्टेपअप टेक है क्या, यहाँ पर क्या क्या चीजें करवाई जा रही हैं और यहाँ इसका मेन मोटिव मेन एम क्या है। स्टेपअप में बेसिकली ओवरऑल हर तरह की स्किल्स सिखाई जा रही हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग की है या ई कॉमर्स की है। ओवरऑल एक डिजिटल स्किल्स के ऊपर कम्प्लीट एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको सिर्फ स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जा रही, आपने एक लर्निंग पॉइंट से लेकर अर्निंग पॉइंट तक गाइडलाइंस दी जाती है। आपने जो स्किल सीखी है, आपने जो चीज सीखी है उसके थ्रू अब आपने अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। और सिर्फ स्टेपअप को पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ के जा चुके हैं। और बाकी जो मेन एम है, जो मेन मोटिव है, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी कंपनी होती है उसका एक मेन मोटिव, उसका मेन एक एम जरूर होता है। स्टार्टअप का मेन जो बेसिकली एम है वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। जैसे आजकल लोगों के पास डिग्रीज अवेलेबल हैं लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं है। एक डिग्री होल्डर पर्सन है, चाहे एक यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, चाहे एक हाउस वाइफ है जो अपनी जो है वो बाहर नहीं जा सकती, फिजिकल जॉब नहीं कर सकती, अपनी ऑनलाइन वर्किंग करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, या पार्ट टाइम जो जॉब होल्डर्स पर्सन है वो अपनी पार्ट टाइम अपनी इनकम को मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन है वो अपनी इनकम किस तरह मजीद इंक्रीज कर सकते हैं इन डिजिटल स्किल्स को सीख कर अपने अकॉर्डिंग, जिसमें उन पर्सन का इंटरेस्ट है। वो किसी भी हर पर्सन का इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट ओवरऑल स्किल्स सिखाई जा रही है। और जितनी भी ये स्किल्स हैं जैसे अमेजोन है या फिर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है या वेब डेवलपमेंट, जितनी भी स्किल्स हैं, ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ये लर्निंग इंस्टीट्यूट ही है, इन स्किल्स के साथ साथ इन पे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। आप भी कंप्लीट स्किल्स सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपना वर्क डायरेक्टली करवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके वर्क करवाना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेकेंड चीज बात की जाए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, आप स्टेपअप टेक को कहीं पर भी जाकर सर्च कर लें, चाहे गूगल पर सर्च कर लें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप स्टेपअप टेक सर्च कर लेंगे, आपको हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड चैनल पेजेस, ऑफिशियल वेबसाइट, हर चीज मिल जाएगी। और डेली बेसिस पे हमारे चैनल पेजेस पर भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज, न्यू स्किल्स से रिलेटेड अपडेट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर चीज अपलोड हो रही होती है, जिससे आप लोग अप टू डेट रख सकते हैं। जैसे हमारा जो YouTube चैनल है वहां पर हमारी डेली बेसिस पे जितने भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जा रही होती हैं, लाइव वेबिनार हो रहे होते हैं हमारे, तो वहां पर लोग फ्री में भी बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें सीख सकते हैं। जैसे ये अभी एक पूरा लाइव डेमो हो रहा है, इसकी भी कंप्लीट रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पर अवेलेबल होगी, उस चीज का टेंशन ना लें। बाकी जो आज का हमारा मेन डेमो सेशन है अमेजोन के ऊपर, जो नेक्स्ट मैम फिजा मूसा स्टार्ट करेंगी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मिस इकराबास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैम इकराबास ने आपको स्टेप अप टेक के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है और आपको आज हमारे जो लाइव वेबिनार है अमेजोन के रिलेटेड उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होंगी अमेजोन के रिलेटेड, हमारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, वो हम आफ्टर द सेशन जब अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आप लोग अपना इंटरेस्ट बता दें कि आप में से ऐसे कौन से लोग हैं, आप काइंडली वॉइस में, वॉइस की बजाय जो है वो टेक्स्ट में बताइएगा कि आप सारे बिगनर लेवल पे हैं अमेजोन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए या आप ऑलरेडी अमेजोन पे वर्किंग कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर सर्विसेज के थ्रू, और या फिर आप अपनी किसी सेव मॉड्यूल के अंदर, अच्छा आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यस आई एम बिगनर, यू आर टेलिंग अस नथिंग। सर फाहद इजाज, अभी हमने बिल्कुल कुछ भी बताना स्टार्ट नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि अभी हम अपना स्टार्ट ले रहे हैं सेशन का, तो डेफिनेटली जब हम आपके साथ अभी सारी गो थ्रू करेंगे एक एक चीज़ का तो आपको आइडिया हो जाएगा। स्टार्ट में आपको भी पता है कि जब आप एक चीज़ किसी अदारे के पास सीखने के लिए जाते हैं तो आपको एक अदारे के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, सिर्फ मेन चीज़ आपका काम सीखना नहीं होता, हमारा काम है आपको ए टू जी अपने बारे में भी डिलीवर करना। जी तो आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होंगी वो इंशाल्लाह हम आफ्टर द सेशन क्लियर करेंगे।
करेंगे, ठीक है? तो चले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, अमेजोन को. जैसे आप लोगों को पता है कि अमेजोन बेसिकली एक ऐसी स्किल है जो बहुत मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, ठीक है? आप लोगों ने अपना कोई भी ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है, किसी ने अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, या किसी ने थर्ड पार्टी के तौर पर काम करना चाह रहे हैं, या अपने पैसे को डबल करना चाह रहे हैं, कोई बगैर पैसा लगाए पैसा कमाना चाह रहा है, तो अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपकी फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की स्किल्स के अंदर, जहाँ पे आप अच्छी हैंडसम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. आज के दौर में अगर हम देखें कि किसी को ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको अमेजोन के बारे में इलम ना हो कि अमेजोन पे सिर्फ जो है हम चीजें खरीदने के लिए नहीं जाते, हम चीजें सेलिंग करने के लिए भी जाते हैं, ठीक है? अमेजोन के बारे में आपको ये भी आइडिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं. पाकिस्तान के अंदर हम किस स्विफ्ट मॉड्यूल के थ्रू, अमेजोन के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ मॉड्यूल्स का आइडिया होगा. जिसमें एक होलसेल है, पीएल है, ड्रॉप शिपिंग है, और अभी लेटेस्ट जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है. इन सब के क्या कॉन्सेप्चुअल है, क्या आप इसके बारे में, आप इसमें कैसा स्टार्ट ले सकते हैं, हाउसवाइफ्स इसमें कैसे स्टार्ट ले सकती हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आप इसमें स्टार्ट कैसे ले सकते हैं, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और ये मॉड्यूल किस तरह वर्क करते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास 2 मिलियन है, 1 मिलियन है, या पाकिस्तानी 5 लाख है, 4 लाख है, तो आप किस मॉड्यूल पे स्टार्ट ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए कौन सी इस टाइम ट्रेंडिंग इसके 2 मॉड्यूल है जिनको आप सीख कर लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क या फेसबुक के प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छे क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा जो ये लाइव वेबिनार है ये टोटली इसी टॉपिक के रिलेटेड है, जो सर असद शकील, जिनका माशाल्लाह 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है इन अमेजोन के अंदर, इन 4 मॉड्यूल्स के अंदर, वो आपको अपनी लाइव अर्निंग प्रूफ भी शो करवाएंगे कि वो किन मॉड्यूल के अंदर उन्होंने इतनी सक्सेस रेट जो है वो कमाया है माशाल्लाह, और वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, और कौन से मॉड्यूल्स के अंदर आपको मूव ऑन करना चाहिए, स्टेप अप टेक का आपको जो है वो होलसेल या पीएल या आर्बिट्रेज, इनके ऊपर कंप्लीट क्या गाइडलाइंस देगी आपको, इसका स्टेप अप टेक से करने का क्या फायदा होगा. जी सर असद, अस्सलाम वालेकुम, आप काइंडली इस तरह करें कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और आज का जो डेमो सेशन है वो स्टार्ट करें. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मिस किंजा, अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू, हाउ आर यू। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि मैम किंजा ने आपको ए टू जी अमेज़ोन के बारे में बताया है कि आप अमेज़ोन पे कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप न्यू हैं तो कैसे अपने किचन इनकम को स्टेबल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट ए टू जी गाइडेंस देता चलूं, आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जी सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ सेशन। जी, इसमें सबसे पहले आपको मैं थोड़ा थ्योरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अमेज़ॉन का बिज़नेस कैसे वर्क करता है, कब से वर्क कर रहा है, और आप इस पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टर भी और एज अ विचुअल असिस्टेंट भी। आपको लाइव स्टैट्स वगैरह और सब चीज़ें ए टू जी मैं आपको साथ साथ गाइडेंस देता रहूँगा, और एट द एंड ऑफ सेशन जैसा कि मिस किंजा ने आपको बताया है, फिर हम लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले अमेज़ॉन पे आप कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सेल करते हैं ना, तो उसका एक मॉड्यूल है, एक कोई तरीकाकार है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप सेल करेंगे, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता सकूं कि अमेज़ोन है क्या। अमेज़ोन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, इस पे हमारा एक तो टाइम भी बचता है, दूसरा हमारा प्लेस का भी इशू हो जाता है, ट्रैवलिंग का भी, वो भी हमारा निकल जाता है। हम एज इट इज़ घर से बैठ के, किसी भी जगह से बैठ के, आप इसको ओनली अपने लैपटॉप से एंड इंटरनेट की सहूलत की वजह से आप इसको स्टार्टअप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं अमेज़ोन का बता दूं कि अमेज़ोन पे इस वक्त जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से मॉडल हैं। अमेज़ोन पे इस वक्त जो सबसे पहले मॉडल है वो अमेज़ोन पीएल है, जिसको हम प्यार से प्राइवेट लेबल बोलते हैं। इसके बाद अमेज़ोन एफबीए होलसेल है, एंड अमेज़ोन एफबीए होलसेल के बाद आपका आ जाता है अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज और अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग। अब मैं आपको अमेज़ोन पीएल के बारे में बताता जुड़ूँ कि अमेज़ोन पीएल बेसिकली वर्क कैसे करता है और इसके क्या सिनेरियो हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो आप एज अ इन्वेस्टर हैं तो आपको अमेज़ोन एफबीए प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए $20,000 मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास $20,000 मिनिमम बजट अवेलेबल है तो आप इसको आराम सुकून से
स्टार्टअप कर सकते हैं एज अ लर्न करके भी और एज अ इन्वेस्ट करके भी, आगे किसी भी एजेंसी या स्टेप अप टेक आपको जो सर्विसेज दे रही हैं उनके थ्रू। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता चलूँ कि एक हमारे पास प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को हम अमेजोन पे कैसे सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये ग्लास है, तो आपको भी पता होगा कि ऑलरेडी अमेजोन पे ग्लास सेल हो रहे होंगे, तो जब मैं प्राइवेट लेबल अपना लॉन्च करूंगा तो मैं अपने ग्लास की ट्रेड करूंगा अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे। जब मैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अपने ग्लास की ट्रेड करूंगा तो मोस्टली आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ग्लास तो ऑलरेडी सेल हो रहे होंगे, तो आप इनको कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे आप इन्हें सेल करेंगे। तो बेसिकली स्टेप अप टेक ग्लास का नेम होगा, तो जो मेरा अपना ब्रांड बिल्ड होगा, इसको मैं अपना ब्रांड बिल्ड करवाऊंगा ए टू जी। उसके अंदर मेरी सोर्सिंग वगैरह सब कुछ मेरी अपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग मेरी अपनी होगी ए टू जी एज इट इज, सब चीज़ें मेरी अपनी होंगी और मेरा ब्रांड अमेजोन पे जाके प्राइवेट लेबल का बिल्ड होगा। इसके बाद आ जाते हैं जी अमेजोन। जी जी मैम किंजा आप स्क्रीन शेयर कर लें, फर्दर कंटिन्यू कर लें, शेयर कर लें। मैम इकरा काइंडली स्क्रीन शेयर की इजाजत दे दीजिएगा। जी जी एक सेकंड मैं दोबारा कर लूँ। जी सर आ रही है, करें आप स्टार्ट। टाइम सही है, मैं आपको अमेज़न प्राइवेट लेबल, इस पर बेसिकली अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में मैं आपको थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन करवा लूँ ए टू जी सब चीज़ों का। उसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल स्क्रीन की, लाइव स्क्रीन की तरफ सॉरी, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का बताया। अब इसके बाद अमेज़ॉन FBA होलसेल का मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ॉन और FBA होलसेल वर्क कैसे करता है और आप इससे कैसे अर्न कर सकते हैं। अमेज़ॉन FBA होलसेल बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको प्राइवेट लेबल के अंदर बताया कि आप जब प्राइवेट लेबल के अंदर अपना कोई भी ग्लास बनाते हैं या लॉन्च करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है अपने नेम के थ्रू, ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो होलसेल है, होलसेल के अंदर सबसे पहले आपको जो रनिंग हमारे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, हमने उनसे कॉन्टेक्ट करना होता है और कॉन्टेक्ट करने के बाद हमने उनकी परमिशन लेने के बाद हम अमेज़ॉन पे जाके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नेस्ले का ब्रांड है, वो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेल कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेल हो रही हूँ, तो अब मैं सेम एज इट इज़ नेस्ले की प्रोडक्ट कोई भी अपने ब्रांड के नेम से लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कॉपीराइट्स पे वगैरह सब कुछ नेस्ले के पास होंगे। मैं अमेज़ॉन FBA होलसेल के मॉडल में ये काम करूँगा कि सबसे पहले मैं जाऊँगा ब्रांड के पास। ब्रांड के पास जाने के बाद मैं ब्रांड से परमिशन लूँगा कि क्या हम आपकी प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे या डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जब वो हमें परमिशन अलाउ करेंगे तो उसके बाद हमने उसी मार्केट से हमने परचेज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस से ही हमने परचेज़ करना है और यूएस के अंदर ही हमने सेल करना है। मैं यूएस का जो सप्लायर होगा नेस्ले का, उससे हमने परचेजिंग करनी है और अमेज़ॉन का जो हमारा करीबी 3PL होगा, उस 3PL स्टोर में हमने उन प्रोडक्ट्स को भेज देना है, ठीक हो गया। इसको बेसिकली कहते हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल के जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हो, आपने उसी को एज अ होलसेल रेट पे लेना है और आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और अमेज़ॉन पे उसके स्टैट्स वगैरह चेक करने के बाद आपने रिटेलर रेट पे उसे आगे अमेज़ॉन पे जाके सेल कर देना है। अमेज़ॉन FBA होलसेल स्टार्ट हो जाता है आपका मिनिमम $7,000 के साथ। अगर आपके पास $7,000 है तो आप इजीली अपना अमेज़ॉन FBA होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अमेज़ॉन FBA होलसेल के बिजनेस में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली ब्रांड आपको रिफ्यूज़ल भी दे देते हैं अमेज़ॉन पे सेल करने का या ऑनलाइन मार्केट्स पे सेल करने का, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है और आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स निकालनी पड़ती हैं। और दूसरा अमेज़ॉन FBA होलसेल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिनिमम जो स्टेप अप टेक आपको प्रोवाइड कर रहा है वो मिनिमम 20% प्रोवाइड कर रहा है और मैक्सिमम 45%, और जो हमारा एवरेज रेशियो है वो 25-35% एवरेज रेशियो है हमारे प्रॉफिट का।
इसके बाद आ जाते हैं जी, आप एज अगर इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो आप कैसे वर्क करेंगे, एंड अगर आप एज अ विचुअल असिस्टेंट आना चाहते हैं तो उसको आप कैसे वर्क करेंगे, उससे आप अपनी किचन इनकम कैसे स्टेबल करेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। अगर आप एज अ इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो अगर आपको पहले लगता है कि आपके पास टाइम है, मैनेजमेंट भी है, पैसा भी है, तो आप सबसे पहले स्टेप अप टेक या किसी भी ABC प्लेटफॉर्म से आप सीख सकते हैं, अमेजोन FBA होलसेल। सीखने के बाद आप खुद प्रैक्टिकली अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग ये है कि आप अमेजोन FBA होलसेल को आगे सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे स्टेप अप टेक भी प्रोवाइड कर रही है एंड अदर ABC। और इसके साथ साथ मैं आपको अमेजोन FBA होलसेल जो मेरे पास रनिंग अकाउंट्स हैं उनके मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो जो शेयर्स हैं। आप सबको स्क्रीन शेयर आ रही है मैम किंजा, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ जी नजर आ रहा है जी जी। अब ये मैंने बेसिकली अपना एक अमेजोन सेलर सेंट्रल ओपन किया हुआ है। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक साल के अंदर हमने स्टेप अप टेक ने कितनी तरक्की हासिल की है और क्लाइंट्स के अकाउंट्स को जीरो से लेकर किस लेवल पर पहुँचाया है। अभी मैंने इसको कस्टम रखा हुआ है क्योंकि आपको भी पता है कि 2023 न्यू स्टार्ट हुआ हुआ है, 5 to 6 days हो गए हैं, तो मैंने अब प्रीवियस पूरे 2022 की सारी डिटेल निकाल ली है। और साथ साथ मैं आपको बताता था 2022 से लेकर 2023 तक हमारी जो टोटल सेलिंग हुई है, हमारे जो टोटल ऑर्डर्स आए हैं, जो एवरेज है, वो मैं सब A to Z आपको समझाता चलूँ अमेजोन FBA होलसेल में। अब ये मेरे पास लाइव अकाउंट है अमेजोन FBA होलसेल का, जो कि 2022 से लेकर 2023 के ड्यूरेशन के अंदर अंदर एक साल का है, जिसके अंदर आप सबको नज़र आ रहे हैं कि हमारे टोटल ऑर्डर आइटम्स भी कितने आ रहे हैं, टोटल हमने कितने यूनिट्स अपने सेल किए हैं और टोटल हमने अपने प्रोडक्ट्स की कितनी सेल की है। ये बेसिकली हमने अपने होलसेल मॉडल को एक न्यू स्टेप पे लेके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1,000 to 1,50,000 डॉलर प्लस हमने विद इन 1 year के अंदर कंप्लीट किया है डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स की, जिसको मैं आपको अगर काउंट डाउन करवाता जरूर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिसको मैं आपको रफली आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि ऑलमोस्ट 30 to 35 अकाउंट्स हमारे पास 1,50,000 से अबाउ विद इन 1 year में। अब बेसिकली सेम यही चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आगे आपने लास्ट पे देखा होगा कि हमारा एवरेज सेल्स ऑर्डर आइटम आया हुआ है, जो इसके नीचे आपको मेंशन है कि $39.77। ये मैं बेसिकली बता दूँ कि ये होलसेल हमारा किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ सकते हैं, कितनी प्रोडक्ट्स का आप अप्रूवल ले सकते हैं, कितने ब्रांड्स को आप कन्वेंस इजीली कर सकते हैं और उनसे आप मिनिमम क्वान्टिटी पर आप लेके और अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। इसके मैं आपको एक नेगेटिव बात PL की भी बता दूं और एक पॉजिटिव बात मैं आपको कंपेयर करके एज होलसेल की बता दूं। PL में फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल जिसे हम प्यार से बोलते हैं, PL में फॉर एग्जांपल आपके पास 20,000 to 30,000 डॉलर का बजट है, तो आपने जब अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो आपको ब्रांड लॉन्च करने में आपका 60 to 70% बजट लग जाता है, जो कि $15,000 से अबव होता है। अब उसके रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है, ठीक हो गया। एज़ कम्पेयर टू होलसेल ऐसा कोई रिस्क नहीं है। होलसेल में एक तो आपको इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए होती है, दूसरा आपको एज अ न्यू जब आप अकाउंट स्टार्टअप लेते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट के साथ जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक नेस्ले का ब्रांड है जिससे मैंने अप्रूवल लिया है, तो उसको मैंने फॉर अ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने उसके 20 units परचेज किए और अमेजोन पर जाके सेल किए। जब वो सेल हुए उनकी अमाउंट हाई है तो मैं दोबारा रिस्टार्ट करता गया। इसी तरह मल्टीपल ब्रांड्स के साथ मैंने अपने रिलेशन बिल्ड किए और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने अपने अकाउंट्स पर लाइक किए हैं। अब मैं ये साथ आपको लाइव अपना पर्सनल अकाउंट के स्टैट भी शेयर करता चलूँ, ताकि आप सबको समझ आ जाए कि हमने किस तरह डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्टें ली हैं, डिफरेंट सप्लायर्स से हमने ब्रांड्स की प्रोडक्टें ली हैं और अपने सेलर सेंटर पे सेल की हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि ये अकाउंट कोई फेक है या ये अकाउंट कोई PL का है या ये अकाउंट कोई ड्रॉप शिपिंग का है। ये टोटली अमेजोन FBA होलसेल के अकाउंट्स हैं और ये आपको नज़र आ रही होंगी प्रोडक्ट्स डिफरेंट, जो कि हमने डिफरेंट सप्लायर से परचेज की हुई हैं
और अमेजोन US मार्केट में हम जाके सेल कर रहे हैं। अब मेरा एक जो अमेजोन एफ बी होलसेल का अकाउंट है वो डिपेंड करता है मेरी प्रोडक्ट्स पे, मेरे नंबर ऑफ एसेंस पे, कि मैं नंबर ऑफ एसेंस कितने लाइव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 एसेंस लाइव करता हूँ तो उनमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अगर मैं 100 यूनिट्स 100 एसेंस लाइव करता हूँ तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब इस सब को सीखने के लिए आपको स्टेप अप टेक पूरी ट्रेनिंग दे रहा है अमेजोन एफ बी होलसेल की भी एंड अमेजोन एफ बी प्राइवेट लेबल की भी। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ एंड साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एक थर्ड हमारा प्लेटफॉर्म, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कोर्स है, जो कि बिजनेस मॉड्यूल है अमेजोन का ही, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो है अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि हमने न्यू स्टेप अप टेक में हमने लॉन्च किया है। बेसिकली अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज हो जाता है अमेजोन एफ बी होलसेल का। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको इसकी थ्योरी के अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज ये एक ऐसा मॉड्यूल है कि जिसमें हम विदाउट ब्रांड की परमिशन उसकी प्रोडक्ट्स जाके सेल कर रहे होते हैं। इसका भी मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ और तरीकाकार बता देता हूँ। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर वही बंदा यूज स्टार्ट कर सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट मिनिमम से मिनिमम हो, फॉर एग्जाम्पल $1,500 टू $2,000। Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज आप Amazon इंडिविजुअल अकाउंट पे भी स्टार्टअप ले सकते हैं और Amazon बिजनेस अकाउंट पे भी आप स्टार्टअप ले सकते हैं। बिजनेस अकाउंट के लिए आपको LLC चाहिए होगी और इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको नथिंग एल्स कुछ भी नहीं चाहिए होगा। लेकिन इसमें एक सीन आपको देखना पड़ता है कि Amazon होलसेल का जब हम जिक्र करते हैं तो हम सप्लायर से या ब्रांड से परमिशन लेने के बाद हम सेल करते हैं आके Amazon पे। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ये सीन करते हैं कि डिफरेंट टूल्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये एक प्रोडक्ट है, ये आपके सामने ये विंग मिक्स भी 3000 क्यूब मिक्स बाउल मिक्सिंग बाउल, ये मेरी फॉर एग्जांपल एक बाउल की प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अब मैं इसकी डिफरेंट टूल्स के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ मैं चेक करूँगा कि क्या इस पर ब्रांड की आईपी कंप्लेंट है, सप्लायर की आईपी कंप्लेंट है। क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि जब उनके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपने आप को दिन ब दिन इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली मोस्टली उनकी ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनको वो विदाउट परमिशन ही आगे भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया, जिसपे वो कहते हैं यार कि हमारी प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए। मूव ऑन करें मैम, हिबा को रिमूव करें कांटी मैम इकरा हैं, और वो हम किसी सप्लायर से भी उठा सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी वेंडर से भी, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट हो गया, सेम्स क्लब हो गया एंड अदर डिफरेंट लोकल होम डिपो वगैरह हो गए, ये सारा सीन है। तो हमने मुख्तलिफ जगह से हमने प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ती है और अमेजोन पे जाके हमने FBA करना पड़ता है। अब इसमें दो मॉड्यूल आ जाते हैं कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेसिकली लोग एक जगह पे जाके स्टक हो जाते हैं, जिनको उनका आइडिया नहीं होता कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में लोग ये काम करते हैं कि हैवी इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, $5,000 भी कर देते हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे। अब एक बंदा इंडिविजुअल अकाउंट में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है और एक बंदा बिजनेस अकाउंट में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है, तो जो बिजनेस अकाउंट में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है बेसिकली उसको अमेजोन ज्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल अकाउंट। ऑनलाइन आर्बिट्राज में डिफरेंट वेंडर से अपनी प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ती है और इसको हमने अमेजोन पे जाके FBA करना पड़ता है। अब कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, वो FBM भी कर देते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप FBA भी कर सकते हैं और FBM भी कर सकते हैं, लेकिन मेन इशू आता है आपको अमेजोन का बाय बॉक्स विन करने की स्ट्रेटेजी में। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल हैं, उनकी कंपनी रजिस्टर है, उनका बिजनेस अकाउंट है, तो वो उस पर अपना होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रही हैं, और दूसरा ABC बंदा है वो अपना ऑनलाइन आर्बिट्राज अपने इंडिविजुअल अकाउंट पे कर रहा है। तो बेसिकली उसे बाय बॉक्स विन करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, जिनकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि हमने डीपली जाके अपना अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के कोर्स में इंशाल्लाह अपने जो आने वाला बैच है उसके अंदर सब चीज़ें उनसे शेयर करेंगे और उनको पूरा प्रैक्टिकली काम करवाएंगे। अब जो फोर्थ मॉडल आ जाता है हमारा, वो आ जाता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अब अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में
पाकिस्तान में बहुत से चेहरे हैं जो कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉड्यूल है कि जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट कम भी हो तो फिर भी आप कर सकते हैं, और दूसरा इसमें यह है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम कह सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट है $10,000 तो आपका रिस्क भी है 90-95%, क्योंकि बेसिकली अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में आप प्रोडक्ट अपने पास हाथ में नहीं रखते, बल्कि आपने पीछे एक सप्लायर से आपने डील की हुई होती है कि यार जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो मैंने आपसे परचेज करनी है और उस कस्टमर के घर मैंने फुलफिल कर देनी है। अब जब बेसिकली इसमें एक रिस्क फैक्टर ये भी होता है कि लोग अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट तो कर देते हैं विदाउट नॉलेज के साथ, लेकिन वो जाके मार इस जगह पे खाते हैं कि जब वो लिस्टिंग के साथ मीट करते हैं और उनको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब उनको दिन के दो ऑर्डर आ गए तो उनका सप्लायर अगर फुलफिलमेंट करते वक्त अगर पैकेजिंग अपनी यूज़ करेगा तो एक वो अकाउंट उनका रिस्क में जा सकता है, उनको सेक्शन 3 की वार्निंग आ सकती है। दूसरा अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया या टाइम पे उसने रिस्पांस ना दिया तो आपकी लेट शिपमेंट और VTR वगैरह का वो भी नोटिफिकेशन वगैरह आ सकते हैं, जिनको स्टडी करना बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग मॉडल बहुत रिस्की है, अगर किसी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और उसने विद इन उसका माइंड है कि विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर अंदर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल के करीब डबल फिगर के करीब करीब लेके जाऊं, तो उसके लिए अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है। लेकिन जो सबसे सेफेस्ट मॉडल है वो अमेजोन FBA होलसेल है एंड अमेजोन प्राइवेट लेबल है। और इसके बाद आपको मैं बताता जाऊंगा कि आपने अपनी इनकम किचन इनकम को कैसे स्टेबल करना है। इसमें बेसिकली जो मैंने अपने टीचर से सीखा हुआ है मैं एज इट इज़ उन्हीं की बात आगे आपसे फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपको भी उनकी बातों का इलम हो जाए। बेसिकली हमने यही बात सीखी हुई है कि अगर आपने अपनी किचन इनकम को स्टेबल करना है तो सबसे पहले आप किसी एक ऐसी स्किल को पकड़ें जिस स्किल पे आपका इंटरेस्ट हो। अब ये ना हो कि आपने अमेजोन FBA होलसेल का कोर्स भी किया हुआ हो, अमेजोन प्राइवेट लेबल का कोर्स भी किया हुआ हो और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी किया हुआ हो और एट अ टाइम ने आपने तीन तीन कोर्स आपने किए हों और आप अपने क्लाइंट्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट को डिलीवर ही ना कर सके, क्योंकि बेसिकली आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि आपको देखना है कि आपकी कौन सी स्किल है, आप कौन सी स्किल में फिट आ रहे हैं। जिस स्किल में फिट आ रहे हैं उस स्किल को आपने सीखना है और सीखने के बाद आपने उस स्किल पे प्रॉपर वर्क करना है। और एक स्किल को आपने ये नहीं करना कि मैंने एक स्किल एक मंथ के अंदर अमेजोन FBA होलसेल सीख ली तो मैं उसका मास्टरमाइंड बन गया हूँ। बेसिकली दिन ब दिन बिजनेस में चेंजेस आती रहती हैं, तो आपको दिन ब दिन प्रैक्टिकली काम करने से न्यू नॉलेज मिलता है, न्यू आप एक्सप्लोर करते हैं मार्केट के, मार्केट का लेवल अभी हाई जा रहा है या डाउन जा रहा है, आपने किस तरफ अपनी उड़ान को लेके जाना है, अपने बिजनेस को इस तरफ लेके जाना है। तो अमेजोन FBA होलसेल का अगर कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद एटलीस्ट 6 मंथ उसे दीजिएगा उसे एक स्किल को, और प्रैक्टिकली उस पर फोकस होके काम करें ताकि फ्यूचर में जब भी अमेजोन FBA होलसेल का नाम है, जो कि मेरा माइंडसेट है जब मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स पहले, तो मेरा एक ही माइंडसेट था कि मैंने जब भी अमेजोन FBA होलसेल का नेम आएगा तो साथ असच स्किल का नेम आना चाहिए, अमेजोन प्राइवेट लेबल का नेम आए तो साथ असच स्किल का नेम आए, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्रेज या अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का नेम है तो साथ असच स्किल का या स्टेप अप टेक का नेम आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमने अपने स्किल पे फोकस किया है और अपना नेम बनाया मार्केट में। सेम एज इट इज़ अब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ लर्निंग पर्पज भी और एज अ ट्रेनिंग पर्पज़ भी और एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी। अगर आप एज आ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप एज आ लर्नर सीखना चाहते हैं तो वो सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, फिजिकल ट्रेनिंग भी है, और आपको लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट से लाइफ टाइम आपको बैकअप भी दिया जाता है, आपको किसी भी मौका पे या कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो या आप अपने अकाउंट से रिलेटेड किसी भी जगह पे आप स्टक हों, फॉर एग्जाम्पल सोर्सिंग में स्टक हों,
हंटिंग में स्टक हूँ, प्रोडक्ट ग्राफी में स्टक हूँ, उसके बाद आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में स्टक हूँ, तो आपको जो ट्रेनर है वो ट्रेनर आपको ए टू जी साथ साथ प्रोवाइड कर देते हैं सब चीज़ें, और आपको हेल्प आउट हर स्टेप बाय स्टेप देते हैं, ताकि आपने अपना अकाउंट भी स्टेबल करें और अपने क्लाइंट्स के अकाउंट भी स्टेबल करें और आप अच्छी लर्निंग करें। जी सर बिलाल ने जैसे आप लोगों को कंप्लीट ए टू जी गाइड किया है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों ने हमारे लाइव लर्निंग प्रूफ्स भी देखे कि हम लोग माशाल्लाह अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे हैं, हम इसकी सर्विसेज भी दे रहे हैं और लोगों को ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखा रहे हैं। अब आपको स्टेप अप से ये कोर्स करने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो ये है कि चार के चार मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, होलसेल है, पीएल है, ड्रॉप शिपिंग है, और ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ठीक है, सर्विसेज के रिलेटेड भी और कोर्स के रिलेटेड भी। अब इसका जो ए टू जी एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसमें सबसे मेन चीज ये आ जाती है कि प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड हंटिंग विद बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, और क्योंकि हम खुद कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपको बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही सिखाएंगे ताकि आप क्लाइंट को अच्छा बता सके। अब इसमें ये चीज है कि आप ये जो बैच है आपके चार के चार मॉड्यूल, ये आप हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन होता है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारा करंट बैच चलेगा 10 तारीख के बाद, वो हमारा चलेगा 1.5 माह का, ठीक है। 1.5 माह के अंदर हम डेली बेसिस पे यानी कि 3 दिन क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास हमारी पीएल की होगी, फिर होलसेल की, और देन ड्रॉप शिपिंग की या ऑनलाइन आर्बिट्राज की। वीक के अंदर 4 दिन क्लासेस होंगी और एक क्लास 2 से 3 घंटे की होगी। और इसमें आपको ये कि ए टू जी बताएंगे, लाइव सेशंस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे, अगर किसी से मिस हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई लोग मैनुअली सीखना चाहते हैं मैनुअली भी आपको बताएंगे, टूल्स के साथ आपको टूल्स की सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइडिंग करेंगे, लेकिन ये है कि टूल्स अगर आप पेड लेना चाहेंगे रीजनेबल प्राइस पे, वो भी हमारे पास मंथली बेसिस पे अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, आप ड्यूरिंग कोर्स ही जो आपके सर असद हैं ये आपको अपने जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी काम कर रहे होंगे आप में से जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे, जो साथ के साथ क्लासेस जो लेक्चर्स को लेके चल रहे होंगे, ये आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में एक और चीज भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों को सिखा तो देते हैं बट उस सिखाने में सारा थ्रेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता। हमारे पास थ्रेटिकली भी है, प्रैक्टिकली भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप इन स्किल के ऊपर काम कैसे लेंगे, तो उसके लिए भी हम आपकी अलग से क्लासेस जो है वो अरेंज करेंगे, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि आप लिंक्डइन पे, फाइवर पे, अपवर्क के थ्रू और फेसबुक के थ्रू कैसे क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। और स्पेशली आपको जैसे बताया गया है कि अभी मार्केट पे ट्रेंड है एफपीए होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज और आपका पीएल, कि इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा कस्टमर कहां पे मिलेंगे, कस्टमर्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसे हाईली बिल्ड होगी, आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि आपको एक बंडल पैकेज मिल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी है, आपका थ्रेटिकली भी है, आपकी लाइफ टाइम मेंटोरशिप भी है, और आपकी क्लाइंट हंटिंग मेथड भी फ्री है कि आप जिसे अप्रोच करोगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मार्केटर्स आपको इसकी प्राइस रेट बता देंगे।